हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल जो मैजिक टैरो। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम लोग देखेंगे कि आपके जो पर्सन है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या वो आपके पास आएंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे, कब तक करेंगे, वो सब देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे थ्री पाइल्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ द रेड रिंग, सेकेंड वन इज़ द पिंक रोज, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट ब्लैक एक्सेसरी। सो यू कैन मेडिटेट ऑन दीज कार्ड्स और आप सेलेक्ट कर लीजिए। आई होप आपने मेडिटेट कर लिया होगा। सो लेट्स हेड अप टू पाइल नंबर वन। हेलो हेलो, वेलकम बैक पाइल नंबर वन। जिन्होंने भी ये रिंग चूज़ किया, रेड रिंग, रेड आपका फेवरेट कलर, आपके पर्सन का फेवरेट कलर, रिंग इसका मतलब हो सकता है कि दैट पर्सन कैन बी मैरिड टू समबडी एल्स और आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हो उस पर्सन के साथ, दैट्स पॉसिबल। एंड विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज समबडी हु इज़ मैरिड। ओके, और इस पर्सन के साथ देखते हैं कि कौन से कार्ड्स आते हैं। दिस इज़ द क्लैरिफाइंग कार्ड। सो ओके गाइज, सो दीज आर योर कार्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, आपका हैंग मैन, उसको क्लैरिफाई करते हुए नाइन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, आपका नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैरोफेंट। ओके, हैरोफेंट इज़ योर एडवाइस कार्ड। ओके, क्या वो आपके पास आएंगे, आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। सो विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये जो पर्सन है ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, या थर्ड, जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, बट ये मैरिड पाइल ही लग रहा है मोस्ट प्रॉबली मुझे। ओके, एंड ये जो पर्सन है ये काफ़ी कंट्रोलिंग हो सकते हैं इस पर्सन की तरफ, आपके पर्सन की तरफ। ये कुछ मैजिक्स और स्पेल्स करते हैं क्योंकि उनके हाथ में कुछ वाटर की चीज़ें हैं, तो अपने हाथों से कुछ मैजिक करते होंगे, वाटर से कुछ मैजिक करते होंगे, इस पर्सन को अपने पास रखने की पूरी पूरी कोशिश करते होंगे, मैनिपुलेट करते होंगे इस रिलेशनशिप को काफ़ी, अपना दिमाग चलाते होंगे, दिल से ज़्यादा इस रिलेशनशिप में दिमाग चलाती होंगी ये थर्ड पार्टी। उसको क्लैरिफाई करते हुए हमारे पास है नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन बहुत ही गार्डेड हैं, इनको बिल्कुल कंट्रोल करके ये अपने पास रखने की कोशिश करती होंगी और ये बिल्कुल भी एडजस्टिंग पर्सन नहीं है। ओके, इनको हमेशा अपने अंडर में रखने की कोशिश करती होंगी और इनको हमेशा कुछ समझती नहीं होंगी। ओके ओके गाइस, सो विद द प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, इनकी एक बेबी हो सकती है, गर्ल चाइल्ड हो सकती है, दैट इज़ पॉसिबल। ओके, एंड इस बच्ची के साथ बेसिकली दिस पर्सन हैज़ अ बेबी गर्ल और बेबी बॉय भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि हाथ में पेंटिकल है तो हो सकता है कि ये जो पर्सन है अभी प्रेग्नेंट है, दैट इज़ पॉसिबल फॉर सम पीपल, सबके लिए नहीं है गाइस। ओके, एंड ये जो पर्सन है इनका बेसिकली इनके साथ फुल टू फुल लीगल बैटल चल रहा होगा, क्योंकि हमारे पास सिक्स ऑफ पेंटिकल्स आ गया। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स इज अ कार्ड की हम इन अ लीगल बैटल, इन अ जस्टिस फील्ड, हम लोग एक दूसरे को कुछ मॉनेटरी वाइज हेल्प कर रहे हैं। इफ़ देयर वाइफ इज़ नॉट वर्किंग, यू आर हेल्पिंग समबडी टू, किसी को हेल्प कर रहे हो कि आप उनको कुछ मनी दे सको फॉर दैट प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल, दैट इज़ पॉसिबल। ओके, या फॉर दैट सन, ओके, उनका बेटा हो सकता है, ओके, बेटी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। आपसे रेजिनेट किया तो डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो दिस इज़ लाइक सिक्स ऑफ पेंटिकल इज़ लाइक चैरिटी वर्क करना, पैसे दान करना या पैसे देना बहुत सारे लोगों को, हेल्प करना, या फिर इन सब प्रॉब्लम्स में जब ये उलझे होंगे तो कोर्ट हैज़ गिवन एन ऑर्डर कि यू हैव टू गिव दिस मच मनी टू प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल एज वेल एज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज़ समबडी हु इज़ वेरी डिमांडिंग, उनको अपना सब कुछ परफेक्ट चाहिए होता है, उनका मेकअप, उनकी
उनकी चीज़ें उनको परफेक्ट चाहिए होती हैं। ओके, मॉनेटरी वाइज उनका उनका ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा रहता है। शी कैन नेवर बी अ सोलमेट, दिस इज़ अ फुल टू कार्मिक रिलेशनशिप। ओके गाइज, सो क्वीन ऑफ वॉन्स इनको कंट्रोल करने की कोशिश करती होंगी, या इनके बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़े होंगे विद द नाइन ऑफ वॉन्स, या फिर इनका कोई एब्यूजिव रिलेशनशिप हो सकता है ओनली फॉर वन पर्सन पीपल। वैसे मुझे यहाँ कोई एब्यूजिव नहीं दिख रहा, बेसिकली कंट्रोल इश्यूज दिख रहे हैं ज़्यादा मुझे। ओके, एंड विद द हैंगमैन इनकी सारी चीज़ें होल्ड पे हैं, बट ऐसा नहीं होगा कि यू नो ये सेम सेक्स रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि हमारे हैंगमैन में आपका जो रेनबो आ गया, तो सेम सेक्स रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। माई चैनल इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक, सो ऐसा हो सकता है। ओके, सो काफ़ी चीज़ें होल्ड पे हैं इनकी, बिकॉज ऑफ द ये कोर्ट कचहरी होगा जो भी है, ये चीज़ें होल्ड पे पड़ी हुई हैं अभी राइट नाउ। सो आपका पर्सन जो है, उनका जो हाथ है नाइन ऑफ वॉन का, वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैं इस पर्सन को पर्सन के साथ फंसा हुआ हूँ, एंड आई एम जस्ट मॉनिटरी वाइज हेल्पिंग हर because of the child or because of the son or because of the, you know, if she is pregnant she is helping them, but in future you know your person will be in you know aapke nine of pentacles mein aa jayenge, you know queen of wands inke sath nahi rahengi। okay, xyz koi bhi reason ho aap mujhe comment section mein bata sakte hain, but queen of wands will not stay with this person, I don't know what is the reason, but यहाँ पर यही दिख रहा है अभी hold पर है चीज़ें, but आपका जो person है वो nine of pentacle की energy में आएंगे, वो बिल्कुल single हो जाएंगे। okay, और या ये third party की energy भी हो सकती है जो इनके साथ अभी हैं, वो pregnant हो सकती हैं और वो single हो जाएंगी। that is possible कि ये इस girl child को ले लें और वो लेडी बेबी बॉय को ले ले, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि यू नो डिवोर्स के टाइम में दोनों बच्चों को ले लेते हैं, यू नो एक को एक बच्चा दे देते हैं, एक को एक बेबी दे देते हैं, ऐसा हो जाता है। ओके, सो ऐसा होगा, बट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज़ लाइक, हो सकता है थर्ड पार्टी की एनर्जी वो सिंगल हो जाए, या आपकी पर्सन की एनर्जी हो कि वो बिल्कुल सिंगल हो जाएंगे, वो वेल्दी हैं, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है, बट इस पर्सन के साथ इनकी बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट और कार्मिक साइकिल में है इस पर्सन के साथ। ओके, इनकी कभी नहीं बनेगी। ओके, ये दोनों कभी साथ नहीं रह सकते। ओके, एंड डेफिनेटली वो आपकी तरफ आएंगे विद द हायरोफेंट कार्ड, जैसे कि हम देख सकते हैं उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी इन फ्यूचर, एंड डेफिनेटली वो आपकी तरफ आएंगे, और दिस पर्सन कैन बी ऑलरेडी डिवोर्स्ड। ओके, होल्ड पे है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिवोर्स नहीं है, हो सकता है कि वो डिवोर्स्ड हो चुके हों, और वो अपने लिए, क्योंकि हैंगमैन ये भी बताता है कि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही होगी, तो पहले वो अपनी हीलिंग करेंगे, देन वो सिंगल होएंगे, बिल्कुल अपने आप को एकदम यू नो हील्ड होके ही आपकी तरफ आएंगे विद द हायरोफेंट कार्ड। दे कैन गिव यू अ कमिटमेंट, आपकी अरेंज मैरिज हो सकती है इस पर्सन के साथ। ओके गाइस, एंड ये आपको कमिटमेंट डेफिनेटली देंगे, आपसे कांटेक्ट भी करेंगे विद इन 5 months, ये आपकी तरफ आएंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे, ये सब यू नो चीज़ों से बाहर निकल के आएंगे, एंड डेफिनेटली ये आपकी तरफ आएंगे गाइस, ये तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, एंड ज़ोडियक साइंस एसोसिएटेड विद दिस रीडिंग इज़ एरीज, लियो, सैज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न ही सबसे ज़्यादा है इस रीडिंग पे गाइस, एंड टॉरस भी है बहुत ज़्यादा, एंड एरीज, लियो, सैज तो है 50%। ओके, थर्ड पार्टी का भी हो सकता है, आपके पर्सन का भी हो सकता है ये सन साइंस। ओके, सो दीज आर द जोडियक साइंस, और डेफिनेटली वो आपकी तरफ आएंगे, आपको एक मैरिज ऑफ़र कर सकते हैं, आपको एक कमिटमेंट ऑफ़र कर सकते हैं, कमिटमेंट के साथ ही आएंगे, नॉट फॉर अ रिलेशनशिप एंड ऑल दैट, डायरेक्टली आपके साथ मैरिज ही करना चाहेंगे ये पर्सन। ओके, इनका नाम एल से हो सकता है, इज पॉसिबल। ओके, या इनके नाम में एल आता हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। ओके, so this is your reading, I hope you like it, if you like it please hit a thumbs up on my video and please subscribe to my channel, please do not forget to hit the bell button, if you need a personal booking from me definitely you can contact me through email or Instagram, everything is mentioned below description box। okay, let's head up to pile number 2। हेलो हेलो, वेलकम बैक पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी पिंक रोज चूज़ किया, पिंक आपका फेवरेट कलर, आपके पर्सन का फेवरेट कलर, एनवायरमेंटलिस्ट हो सकते हैं, उनको रोज़ का बहुत शौक हो, रोज़ ख़रीदना, आपको रोज़ गिफ्ट किया होगा इन्होंने कभी,
आपके साथ जब रिलेशनशिप में थे या अभी हो प्रेजेंटली इनके साथ कांटेक्ट में हो अगर आप, ओके okay? अगर नहीं हो तो भी आप उनको रोज़ेस का बहुत शौक होगा, आपको रोज़ बहुत पसंद होंगे, ओके पिंक कलर के, दैट्स पॉसिबल, ओके रेड रोज़ेस भी पसंद हो सकते हैं। सो दीज आर योर कार्ड्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, थ्री ऑफ सोर्स, फोर ऑफ टू ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, आपका सेवन ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ कार्ड एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। Zodiac signs associated with this reading is Libra, Gemini, Aquarius. आपका Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sag, Pisces, Cancer, Scorpio, Leo and आपका Libra, Gemini, Aquarius. Leo, Aries, Leo, Sag सबसे ज़्यादा है इस रीडिंग में एंड Libra, Gemini, Aquarius भी काफ़ी ज़्यादा है, 50-50% से 60% एरीज लियो सैज, 50% आपका लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस एंड बाकी पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न काफ़ी कम है, 10% लगा लीजिए, ओके गाइस। सो आप देख लीजिएगा जो भी ज़ोडियक साइंस है, ओके। सो रीडिंग की तरफ चलते हैं, अगर हम देखें तो दिस पर्सन कैन बी यू नो इन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, ओके एंड जो थर्ड पार्टी है इधर यू नो इनकी लाइफ में ये चल रहा है कि जो थर्ड पार्टी है, जो इनका जो पर्सन है, उन्होंने इनको यू नो चीट कर दिया है, क्योंकि इस पर्सन आपके जो पर्सन के हाथ में यू नो उनका जो हाथ है वो अपने दिल पे रखा हुआ है, उन्होंने आपको इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला होगा, यू नो आपको बहुत प्यार होगा इनके साथ और आपके साथ एक रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या इधर यू आर क्रशिंग ऑन और योर यू नो एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स हस्बैंड, कुछ भी हो सकता है ये, ओके थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला होगा ये एंड थर्ड पार्टी ने इनको चीट कर दिया है, क्योंकि इनको थर्ड पार्टी के बारे में पता चल गया है, क्योंकि हमारे पास सेवन ऑफ कप्स है, जो थर्ड पार्टी है उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, शी हैज़ गॉट लॉट ऑफ ऑप्शंस, दिस इज़ अ लेडी स्टैंडिंग इन द रेन, ओके लुकिंग एट द अदर ऑप्शंस बिसाइड्स, पीछे एक कप है उसको वो नहीं देख रही, वो आपके पर्सन है, ओके उनके सामने बहुत सारे कप है, शी इज़ लुकिंग ऑन दैट कप एंड देन शी इज़ ग्रीविंग ऑन दैट कि उन्होंने इन कप्स को क्यों नहीं चूज़ किया, ओके ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, कार्मिक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि हमारे पास स्वॉर्ड्स हैं यहाँ पे, तो कार्मिक ट्विन फ्लेम कनेक्शन ही इसको मैं बोलूँगी, सो रनर चेजर रिलेशनशिप हो सकता है ये, फुल टू एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, ये जो डिवाइन कनेक्शन नहीं है इन दोनों के बीच में, दिस इज़ कार्मिक प्लस ट्विन फ्लेम कनेक्शन, इनकी लव मैरिज हुई होगी, दैट्स पॉसिबल फॉर सम पीपल नॉट फॉर एवरीबॉडी, ओके मैरिज हुई होगी इस पर्सन के साथ या फिर ये एक रिलेशनशिप में होंगे इस पर्सन के साथ, ओके गाइस। सो विद द टू ऑफ पेंटिकल्स इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला होगा, आपके साथ जगल करते होंगे, वहाँ पे भी होंगे यहाँ पे भी होंगे अगर एक मैरिड रिलेशनशिप में है, ओके सो इनका जो मैरिज है उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आउट ऑफ द कंट्री ये लोग रहते होंगे, आप सब आउट ऑफ द कंट्री रहते होंगे, दैट्स पॉसिबल फॉर सम पीपल, और ये लोग आउट ऑफ द कंट्री रहते होंगे, आप इंडिया में रहते होंगे, दैट्स पॉसिबल फॉर सम पीपल की लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप हो सकते हो, काफ़ी दूर रहते हो एक दूसरे के साथ, और जो थर्ड पार्टी ने तो ऑब्वियसली थर्ड पार्टी के पास बहुत सारे ऑप्शंस है, तो थर्ड पार्टी उनको देख के रो रहा है, बारिश में खड़ा है, उनके हाथ में एक छतरी है, वो पीछे देख मुड़ के देखना नहीं चाहते आपके पर्सन को, सो ये रिलेशनशिप बिल्कुल चला नहीं, इनका लीगल मैटर चल रहा होगा 100%, या फिर अगर आप सिंगल हैं तो इस पर्सन का इनके साथ नहीं हुआ, क्योंकि ये कार्मिक सिचुएशन है मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए, कार्मिक सिचुएशन में होंगे और इनकी लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं विद द फाइव ऑफ वॉन्ड्स, इनका एक अच्छा एक रिलेशनशिप या अच्छा एक मैरिज नहीं है ये, ओके इट्स नॉट अ गुड मैरिज, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स है, ये हमेशा बिकर करते होंगे कि वर्क को लेके, मनी को लेके, पैसों को लेके, बैलेंस को लेके, एक दूसरे के बीच में बैलेंस नहीं है, दिस पर्सन इज़ नॉट लुकिंग बैक साइड, बैक ऑफ द पिक्चर जाए द वाटर इज़ लाइक बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन है, शिप्स आर नॉट कमिंग, ओके दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर द शिप्स कि इनका रिलेशनशिप एक बॉन्ड अच्छा बन सके, बट नहीं, जो थर्ड पार्टी के साथ इनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है विद द फाइव ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ इनकी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स अभी चल रही हैं राइट नाउ या हो रही होंगी
अभी राइट नाउ, ओके। ये दोनों इनके फैमिली मेंबर्स और इन उनके जो अगर इनकी बिग फैमिली है तो काफ़ी लोगों से इस आपके जो पर्सन है उनके फैमिली मेंबर्स से इनकी बनती नहीं होगी, काफ़ी लड़ाई झगड़े रहते होंगे, कोई सपोर्ट नहीं मिला होगा इनको किसी की तरफ से। अगर इनके लव मैरिज है तो इनको काफ़ी लड़ना पड़ा होगा, या इनका लीगल बैटल चल रहा होगा, या इनका कुछ भी मैटर, इन दोनों के बीच में काफ़ी झगड़े होंगे जस्ट बिकॉज इनकी फैमिली मेंबर्स के साथ भी इस पर्सन की जो थर्ड पार्टी है इनकी नहीं बनती होगी, या आपके जो पर्सन है उनकी उनके फैमिली के साथ नहीं बनती बिल्कुल। बहुत ज़्यादा फाइट है इनकी फैमिली में, ये बहुत सारे कार्मिक टाइस के साथ पड़े हुए हैं और उस कार्मिक टाइस से निकलना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, या जैसे मैंने बताया इनका लीगल बैटल चल रहा होगा, उस बैटल में ये काफ़ी लोगों के साथ जगल कर रहे होंगे, या इनको लोग बिकर करते होंगे, उनके फैमिली मेम्बर्स बोलते होंगे कि तुम गलत हो और उनके फैमिली मेम्बर्स बोलते होंगे तुम गलत हो, ओके। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं अपनी लाइफ में, ओके। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हैं, ओके। अपनी ज़िंदगी में यू नो स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं कि लाइफ इस सब चीज़ों से बाहर आने के लिए, दिस पर्सन वॉन्ट टू लीव दिस पर्सन, ये इनको छोड़ देंगे 100%, क्योंकि ऑलरेडी जो थर्ड पार्टी है उनके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं और उनको वो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहती, ओके। इन दोनों की भी बनती नहीं है एक दूसरे के साथ, क्योंकि कार्मिक टाइस में होंगे ये एक दूसरे के साथ। तो जो हमारा स्ट्रेंथ कार्ड है, स्ट्रेंथ कार्ड ये बताता है कि ये हिम्मत जुटा रहे हैं और एंजल से इनकी बातचीत होती होगी, इनका यू नो न्यू बिगिनिंग होने वाला है एंड इनको डिवाइन ने इनको ब्लेस कर दिया, एंजल ने इनको ब्लेस कर दिया है, तो ये अपनी हीलिंग कर रहे होंगे, ओके। स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं कि इन सब चीज़ों से बाहर आने के लिए, ये सब चल रहा होगा राइट नाउ, ओके, इनकी लाइफ में। एंड ये नेचर के साथ रहते होंगे, काफ़ी दूर रहते होंगे, आउट ऑफ द कंट्री रहते होंगे, जहाँ पे काफ़ी चर्च हो, जहाँ पे बेल्स बजते हों, काफ़ी ज़्यादा जंगल हो, जहाँ पे लेक हो, वाटर बॉडीज़ के आसपास रहते होंगे, नेचर के आसपास रहते होंगे, किसी यू नो लायन के साथ काम करते होंगे, या यू नो ये जितने भी वाइल्ड लाइफ उसमें काम करते होंगे, ये हॉर्सेस के साथ काम करते होंगे दैट्स पॉसिबल। और रात को बिल्कुल अपने दिल पे हाथ रख के सोचते रहते हैं कि ये सब क्यों हुआ, ओके। और यह हो सकता है आप दोनों ऑनलाइन मिले हो, एक दूसरे से आपकी ऑनलाइन बातचीत हो रही हो, दैट्स पॉसिबल फॉर सम पीपल, ओनली फॉर 2% पीपल, नॉट फॉर एवरीवन, ओके। एंड अगर आप एडवाइस कार्ड पूछोगे कि वो आपकी तरफ आएंगे, डेफिनेटली विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ अ पर्सन हु इज़ डिवोर्स्ड इन टैरो, ओके। टैरो में ये जो पर्सन होता है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ लाइक डिवोर्स पर्सन, तो इनका 100% डिवोर्स हो चुका होगा। और जो सिंगल्स हैं, दिस पर्सन कैन बी ओल्डर देन यू, आपसे एज में डिफरेंस हो सकता है इनका, ओके, दैट्स पॉसिबल फॉर सिंगल पीपल। जो लोग सिंगल्स देख रहे हैं, जो मैरिड नहीं है, जो सिंगल देख रहे हैं और वो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो ये एक नॉर्मल इंसान यू नो आपकी एज में डिफरेंस हो सकता है, ओके। सो ये जो पर्सन है काफ़ी डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे, डिवोर्स्ड होके ही आएंगे, सब कुछ क्लियर ऑफ करके आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे कि नहीं भैया सब कुछ छोड़ छाड़ कर, नहीं, सब कुछ फुल एंड फाइनल होने के बाद आएंगे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इज समबडी इज़ वेरी ट्रूथफुल, वो सच बोलते हैं, वो आपको सारी सच्चाइयाँ बताएंगे, ओके। आप इनके साथ कंटिन्यू करना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन गो अहेड विद, यू नो, इफ़ यू आर डिवोर्स्ड एंड दे दैट पर्सन इज़ डिवोर्स्ड, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर अ सेकेंड मैरिज, एंड इफ़ यू आर सिंगल एंड दैट पर्सन इज़ यू नो गेटिंग डिवोर्स्ड फॉर यू एंड वांट टू यू नो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो, तो आप उसके लिए भी जा सकते हो, ओके। दिस पर्सन विल डेफिनेटली कम बैक टू यू गाइस, ओके। एंड मैरिड पाइल भी लग रहा है मुझे मोस्ट प्रॉब्ली, तो अगर मैरिड हैं तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे और आपको एक कमिटमेंट देंगे विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। एंड ये कब तक आएंगे, 1 ईयर इनको लगेगा ये सब कुछ निपटा के, जनवरी के बाद ही हो सकता है कुछ, ओके। 1 ईयर इनको फुल टू लगेगा, एडवाइस कार्ड तो यही बोल रहा है, और ये डेफिनेटली आपको एक न्यू बिगिनिंग देना चाहता है। किंग है तो somebody who is यू नो वेल सेटल्ड, उनके पास पैसा होगा, घर होगा, सब कुछ होगा, उनके पास बस प्यार नहीं होगा, तो वो प्यार और वो स्ट्रेंथ आपसे मांगेंगे विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड। जैसे आप देख रहे हो, आपको उनको हीलिंग करनी पड़ेगी, उनको प्यार देके उनको ब्लॉसम करना पड़ेगा, वहाँ पे बहुत फ्लावर्स हैं, तो आपको आपका रिलेशनशिप काफ़ी ब्लॉसम करना पड़ेगा इस पर्सन के साथ। इनको सांत्वना देनी पड़ेगी, इनको प्यार से इनको एक न्यू बिगिनिंग देनी पड़ेगी, अगर आप देना चाहते हो। अगर आप मूव ऑन हो रहे तो देर इज़ यू नो
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। अगर आप इनका वेट कर रहे हो तो डेफिनेटली दिस पर्सन विल कम बैक टू यू, ओके, एंड आपको एक न्यू बिगिनिंग देंगे, कमिटमेंट दे सकते हैं वन ईयर के अंदर, वन ईयर तक ये आपकी तरफ आएंगे, ओके। आज से वन ईयर आप लगा लीजिए, ओके गाइस। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट अ थम्स अप ऑन माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन। इफ़ यू नीड अ पर्सनल बुकिंग फ्रॉम मी डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू ईमेल और इंस्टाग्राम। एवरीथिंग इज मेंशन इन द बिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके। लेट्स हिट अप टू पाइल नंबर 3। हेलो, वेलकम बैक पाइल नंबर 3। जिन्होंने भी ये ब्लैक कलर का एक्सेसरी चूज किया है, लेट्स सी योर कार्ड्स। ओके गाइस, सो दीज आर योर कार्ड्स। प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स, आपका प्रिंसेस ऑफ वॉन्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, आपका हर्मिट कार्ड विद द नाइट ऑफ वॉन्स, आपका थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेथ, ओके। सो गाइस, जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ये जो पर्सन है ये आपको ऑनलाइन देखते रहते होंगे, क्यों? वाई बिकॉज हमारे पास एक तो स्वॉर्ड्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पेज एनर्जी, ओके, ऊपर से पेज ऑफ वॉन्ट्स, ओके। दिस पर्सन इज़ वेरी पैशनेट टूवर्ड्स यू, ये आपके साथ एक पैशनेट रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, उससे ज़्यादा ये कुछ नहीं चाहते आपसे, ओके। आपका ब्रेकअप हो चुका होगा विद द डेथ कार्ड, जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, या आपने इनको क्लियर कट बोल दिया होगा, नो आई डोंट वॉन्ट अ रिलेशनशिप विद यू, बिकॉज डेफिनेटली ये पेज की एनर्जी में, दिस पर्सन इज़ इन पेज एनर्जी, ओके। एंड जो लोग मैरिड हैं, इनकी दो बेटियां हो सकती हैं फुल टू, या इनका एक बेबी और होने वाला होगा, बेटा, ओके, इट्स पॉसिबल, बट मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए दो चिल्ड्रन हो सकते हैं, दो बेटियां हो सकती हैं इनकी, ओके गाइस। एंड ये बस आपको ऑनलाइन देखते रहते हैं, आपसे बहुत पैशनेट होते हैं, बहुत सेक्सी होंगे, बहुत स्मार्ट होंगे, काफ़ी लोगों में पॉपुलर हो सकते हो, दैट इज़ अ थिंग, ओके। सो दे आर पैशनेट टूवर्ड्स यू, ओके, एंड यू डोंट वॉन्ट टू स्पीक टू दिस पर्सन, और दे डोंट, यू नो, आपका ब्रेकअप हो चुका होगा, या आप दोनों कॉन्टैक्ट में नहीं होंगे, या आपने ब्लॉक कर दिया होगा, उन्होंने ब्लॉक कर दिया होगा, कोई भी कुछ भी हो सकता है इसमें, बट दिस पर्सन कैन बी, यू नो, इनकी फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, जो लोग सिंगल हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं, जो लोग सिंगल हैं ये अपने फैमिली की बातें ज़्यादा सुनते हैं, तो या फैमिली हो सकते हैं, ये इनके ऑफिस कलीग्स हो सकते हैं, ये इनके कोई भी हो सकते हैं, मैनिपुलेटर्स हो सकते हैं, जो आपको नहीं पसंद करते, उनको नहीं पसंद करते, कोई भी हो सकते हैं, आपके, यू नो, जो फूट डालने की कोशिश करी होगी और आपका रिलेशनशिप टूट गया होगा। सो विद द टेन ऑफ पेंटिकल्स, दिस पर्सन, यू नो, दूसरों की बातों में इन्फ्लुएंस ज़्यादा होते हैं, ओके, एंड जो लोग मैरिड हैं, दिस पर्सन कैन बी मैरिड विद द टेन ऑफ पेंटिकल्स। टेन ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ कार्ड जो रिप्रेजेंट करता है कि ये मैरिड पर्सन हो सकते हैं, ओके, किसी और के साथ, और इनकी दो बेटियां हो सकती हैं। ये जो पर्सन है अपनी मैरिज में बहुत बैलेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो लाइट लेके घूम रहे हैं, ओके, मतलब एक एडजस्टिंग रिलेशनशिप है, कार्मिक टाइम में है इस पर्सन के साथ, कार्मिक टाइम में है, बट बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन दे कैन नॉट लीव दैट पर्सन, ओके, दो बच्चे हो सकते हैं इनके, सो ये उनको नहीं छोड़ सकते, एंड ऑल दीज थिंग्स आ जाता है, ओके, व्हेन यू कम इनटू अ मैरिड रिलेशनशिप। सो आप, हो सकता है कि इनके साथ ऑफिस में मिले हों, किसी जॉब के थ्रू मिले हों, किसी पार्टनरशिप के थ्रू मिले हों, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ पैसा लगाया हो, किसी बिजनेस के थ्रू मिले हों, किसी शॉप पे मिले हों, किसी शॉप पे एक दूसरे के साथ काम करते हों, या किसी बिजनेस में आप, यू नो, आप दोनों ने पैसा लगाया हो, या वो आपके मैनेजर हो सकते हैं, आप उनके अंडर में काम करते हो, और आप दोनों ने पैसा लगाया हो सकता है उस शॉप में, दैट इज़ आल्सो पॉसिबल, या उनकी खुद की एक शॉप हो सकती है, दीज आर जस्ट चैनल मैसेजेस गाइस, ओके। एंड डेफिनेटली आपका इनके साथ, यू नो, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का
एक रिलेशनशिप हो सकता है। नाइट जितनी जल्दी आता है, जितनी जल्दी नाइट आता है उतनी जल्दी वो भाग भी जाता है, ओके, क्योंकि बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन दिस पर्सन कैन वॉक अवे, और बिकॉज इनको सिर्फ आपसे एक सेक्शुअल रिलेशनशिप चाहिए, उससे ज़्यादा इनको कुछ नहीं चाहिए आपसे, क्योंकि वो चीज़ उनको अपनी फैमिली से नहीं मिल रहा है, इन द सेंस कि दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी विद द अदर पर्सन हु इज़ यू नो इंडल्ज विद हिम, यू नो इज़ इन अ कामिक टाई और इन अ मैरिड रिलेशनशिप, उनके साथ यू नो नॉर्मल रिलेशनशिप है उनका, बैलेंस ढूंढते रहते हैं, वहाँ पे लाइट ढूंढते रहते हैं, उनको वही लाइट नहीं मिलता, वहाँ पे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो जो ड्रेस है वो काफ़ी हवाओं में उड़ रहा है, ओके, उनकी दुनिया जो है बस ऐसी उथल पुथल दुनिया है, ओके गाइस, काफ़ी तूफान उठे हैं इनकी मैरिज में, काफ़ी प्रॉब्लम्स आए होंगे, एंड ऊपर से दो बेटियां हैं तो बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद होता कि बेटियां हो गई बेटा नहीं हुआ, एंड ऑल दिस नॉनसेंस क्रैप, ओके, सो ये भी एक इशू होगा उनके बीच में, बट दे हैव टू एडजस्ट एंड ऑल दैट। एंड ये जो पर्सन है ये आपकी जितनी जल्दी आते होंगे उतनी जल्दी आपको ब्लॉक करके चले जाते होंगे, या आपको बिना बताए चले जाते होंगे, या जस्ट एक यू नो ऑफिस कलीग का रिलेशनशिप हो सकता है, जैसे किसी लॉ फर्म में आप दोनों एक दूसरे के साथ काम करो, एंड देन यू आर यू नो यू लव ईच अदर, एंड देन यू आर इंडल्जिंग इन अ सेक्शुअल रिलेशनशिप, ऑल दीज थिंग्स। सो नाइट के आप नाइट का कंपैरिजन आप कभी एम्परर के साथ नहीं कर सकते, एम्परर इज़ नंबर वन, एम्परर कैन गिव यू अ कमिटमेंट, नाइट एंड पेजेस कैन नेवर गिव यू अ कमिटमेंट, पेज और नाइट का कोई कंपैरिजन है ही नहीं एम्परर के साथ, ऐसा रिलेशनशिप होगा आपका, एक यू नो कलीग रिलेशनशिप हो सकता है आप दोनों का, दैट्स पॉसिबल, एंड इसीलिए आपका ब्रेकअप हो चुका होगा। और एडवाइस कार्ड यही बोलता है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ यू, आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो, आप पैसे लगाए होंगे आपने इस पर्सन के साथ बिजनेस में 110%, या आप एक बहुत अच्छी जॉब पे होंगे, या आपका जो फाइनेंसिस है वो बहुत ही अच्छा है, आपकी प्रॉपर्टी आपके पैसे आप हर जगह से यू नो फ्लरिश कर रहे हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। क्वीन ऑफ पेंटिकल इज़ समबडी हु डजंट वॉन्ट एनीबडी, शी इज़ यू नो बहुत ही ज़्यादा यू नो अपने आप को नर्चर करने में बिलीव करती है, पेंटिकल इज़ लाइक वो अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, यू नो रैदर देन अदर पर्सन। आई नो कि मे बी आपको थोड़ा सा होप होगा ये पर्सन आएंगे, ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे तो भी ये आपको सिर्फ एक नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी में ही देखते हैं, ओके, इनकी जो एनर्जी है आपके लिए सिर्फ एक नाइट ऑफ वॉन्ट्स है, वो कभी कमिटमेंट में नहीं चेंज हो सकती। हो सकता है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप मैरिड हो, क्योंकि क्वीन कैन ऑलवेज बी मैरिड, ओके, बट दिस क्वीन इज़ लाइक सिंगल, कुछ लोगों के लिए सिंगल हो सकती है ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, या यू आर मैरिड और आपका एक बेटी हो सकता है, बेटा हो सकता है, इट्स पॉसिबल, और ये जो पर्सन है ये आपकी तरफ मैंने क्योंकि मुझे कुछ क्लैरिफाई नहीं हो रहा था तो मैंने इससे एक और कार्ड पूछा, ओके, आई डोंट वांट टू गो फर्दर क्योंकि मुझे कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिल रहा था, तो मैंने एक और कार्ड पूछा था तो डेथ आ गया, तो आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका होगा इस पर्सन के साथ, एंड आपने इनको यू नो आपने डम कर दिया होगा, या इस पर्सन ने, ये जब आएंगे तो आपको पता होगा कि ओनली फॉर यू नो ओनली वन थिंग, सो ये रिलेशनशिप में दिस पर्सन विल नॉट कम बैक, ओके, आई एम रियली रियली सॉरी, जो कार्ड्स बोलेगा मैं वही बताऊंगी आपको, आपसे रेजोनेट नहीं किया तो देर आर अदर टू पाइल्स, यू कैन सिलेक्ट दोज टू पाइल्स जहाँ पे यू नो अगर आपको कुछ पॉजिटिव मिलता है तो डेफिनेटली यू कैन गेन फ्रॉम दैट, एंड इफ़ यू थिंक दैट दिस पाइल इज़ नॉट फॉर यू, क्योंकि आपके पास ब्लैक एक्सेसरी है, ब्लैक इज़ ऑल्सो अ ओमेन फॉर डेथ, डेथ ऑफ अ रिलेशनशिप, ब्लैक कलर हमेशा मतलब हमारे यहाँ पे वाइट है बट फॉरेन कंट्रीज़ में ब्लैक इज़ लाइक फॉर डेथ, ओके, ब्लैक कलर पहनते हैं वो लोग जब किसी की डेथ हो जाती है, सो योर रिलेशनशिप इज़ डेड और ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आएंगे, ओके, हो सकता है आपका इनके साथ कुछ एब्यूजिव रिलेशनशिप भी हुआ हो, इन्होंने थप्पड़ मारा हो या बदतमीजी करी हो, आपके साथ गाली गलौज करी हो, ऊंची आवाज़ में बात करी हो, दिस पर्सन विल नॉट कम बैक एंड यू विल सिट ऑन योर थ्रोन, आप क्वीन की तरह अपना बैठोगे, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, डेफिनेटली यू कैन गो अहेड विद अ न्यू रिलेशनशिप, एक न्यू रिलेशनशिप में आप आ सकते हो, ओके गाइस, सो आई एम रियली रियली सॉरी, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड
If you need a personal booking from me, definitely you can contact me through email, Instagram. Everything is mentioned in the below description box. Okay, thank you so much. I love you all. See you in the next video. Bye bye.